आज हम बात करेंगे गर्मियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर पशु जिसमें गाय भैंस का दूध कम होने लगता है, इसके हम कारण भी जानेंगे। और यदि दूध कम हो जाता है गर्मियों के मौसम में तो आप उसको किस तरीके से बढ़ा लेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो क्या है वह तरीके, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो आपकी गाय भैंस का धीरे धीरे दूध कम होने लगता है, यह ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। हर पशु मालिक के साथ में समस्या आती है कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है तो पशु धीरे धीरे, पहले 5 लीटर दूध दे रहा था तो वो 4 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ऐसा हमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो यह समस्या हर पशु मालिक के साथ में हो जाती है, पशु मालिक परेशान हो जाते हैं। आज हम इसका जबरदस्त सॉल्यूशन लेके आए, जिससे यदि पशुओं का दूध कम हो जाता है तो आप उसको कैसे घर पे ही बढ़ा लेंगे, कुछ तरीके हम बताएंगे। यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आपके पशुओं का गर्मी में दूध कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ता रहेगा। तो हम चर्चा करते हैं कि वो तरीके क्या है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है आपको विशेष ध्यान रखना है, जहां पर आप पशु बांध रहे हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए, अच्छी सी जगह होनी चाहिए, और जहां धूप बिल्कुल भी ना हो, अच्छी छांव हो, ठंडी छांव हो और हवा भी ठंडी लगे, जिससे पशुओं में फायदा देखने को मिले। एक तो हमें यह ध्यान रखना है, दूसरा हमें ध्यान रखना है गंदगी का। जहां हम पशु बांध रहे हैं वहां पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि गंदगी होगी तो वहां पर मक्खियां होगी, मच्छर होगी, जू होगा, चीचड़ होगा। यदि ये सारी चीजें गर्मी में पनपती है तो पशु परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। ऐसे ही गर्मी के मौसम में भैंस में ज्यादा गर्मी रहती है और ये पशु जब परेशान करते हैं तो जो दुधारू पशु रहता है वो दूध बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, दूध अंदर खींच लेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में जू, चीचड़, किल्ली, मक्खी, मच्छर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि पशुओं को काटते हैं तो गर्मी में बहुत ही बेकार खुजलाहट होती है, जिससे पशु परेशान होता है। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। साथियों, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको खान पान के रूप में सूखा चारा के साथ साथ में थोड़ा बहुत हरा चारा भी होना चाहिए, जिससे पशुओं के शरीर में पानी की कमी ना हो। यदि पशुओं के शरीर में पानी की कमी होगी तो उससे भी पशुओं का दूध कम होगा। तो आपको इन दोनों चीजों की मात्रा का लेवल बना के ही खिलाना है। सूखे चारे के साथ साथ में हरा चारा कहीं से भी आप लाइए और पशुओं को देते रहिए, जिससे आपके पशुओं का दूध कम ना हो। साथियों, इसके बाद देखिए, आपको समय समय से पशुओं की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े की दवा देनी है। पेट के कीड़े की दवा गर्मियों में आप आयरमेक्टिन दे सकते हैं, इससे जू, चिचड़, किल्ली, मक्खियां, मच्छर बिल्कुल भी पास में नहीं आएगा। और हर 3 महीने में पशुओं को देते रहिए, जिससे उसका दूध लगातार बढ़ता रहे। तो आयरमेक्टिन की जो बोलस आती है यह आप खिला सकते हैं गर्मियों में। और विशेष ध्यान आपको रखना है देखभाल का, और गर्मियों में पशुओं को दिन में 2 से 3 बार नहलाइए ठंडे पानी से, जिससे पशु का शरीर स्वस्थ रहे, किसी तरह की बीमारियां देखने को ना मिले, हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रख के समय समय से पशुओं में दूध बढ़ा सकते हैं। कैसा भी गर्मी का मौसम हो, आपके पशुओं का दूध बिल्कुल कम नहीं होगा। तो एक बार आप ये तरीके जरूर अपनाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।